दोस्तों ये वीडियो आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि अभी करंटली वन यूआई फोर के साथ हमें सैमसंग के स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहे हैं। आप चाहे बग्स कह लीजिए चाहे प्रॉब्लम्स कह लीजिए। तो अगर अभी तक आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 12 का अपडेट नहीं आया है और आप वेट कर रहे हो तो अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा साइड में रखकर इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना होगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं। देखो दोस्तों, जब भी कोई अपडेट किसी भी स्मार्टफोन में आता है ना तो कोई ना कोई बग्स हमें देखने को मिलते हैं, और चाहे वो छोटा बग भी हो या बड़ा बग भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बग्स मुझे देखने को मिला वो किसी और यूजर को सेम वे में देखने को मिले, यानी कि 1-2% यूजर्स होते हैं जिनके स्मार्टफोन में बग्स आते हैं, बाकी के स्मार्टफोन जो है काफी स्मूथ चलते हैं। कंपनी रोल आउट से पहले इनका स्टेबल टेस्टिंग कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ स्मार्टफोन में जो बग्स हैं वो चले जाते हैं, तो ये बात जो है विदाउट डाउट है। अब यहाँ पर सबसे पहला बग हमारे सामने आया हुआ है वो है बैटरी ड्रेन का। तो बहुत सारे सैमसंग यूजर्स ने ये कंप्लेंट की हुई है कि हमारे स्मार्टफोन में जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आती है सैमसंग की S10 सीरीज, A52 और A52S। मेनली इन स्मार्टफोन्स में जो है बैटरी ड्रेन का इशू अभी चल रहा है, तो अगर आप वेट कर रहे हो वन यूआई फोर का तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में लेकर चलना है कि आपके सामने भी ये इशू आ सकता है कि जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी जाए। तो हाँ, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ निकल कर आती है फोन के स्लो हो जाने की। तो स्लो फोन भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लैग का इशू तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा डिले के साथ लॉन्च हो रही हैं, या जो आप काम करते हो ना वो पहले के मुकाबले अब थोड़े से स्लो ओपन हो रहे हैं, तो हाँ ये भी एक इशू यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एप्स के क्रैश होने के भी इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं बिल्कुल, और जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वो कुछ वन यूआई फोर के साथ हमें अभी भी सपोर्टेड देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कंपनी ने जो उनका सपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर क्रैश कर रही हैं, तो हाँ ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो सकती है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट बन जाता है कैमरा एंड जो माइक का बटन है या जो टॉगल है हमें नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिलता है ना, यानी कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कैमरा यूज़ करते हो या माइक यूज़ करते हो तो उसका एक टॉगल हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है, तो वो कुछ स्मार्टफोन्स में नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सैमसंग ने कहा था कि ये मिलेगा अपडेट में, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन्स को ये चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। तो हाँ, ये कुछ ऐसे बग्स हैं जो कि आपके सामने आ सकते हैं, और इनके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप भी इस टाइम कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज़ करते हो जो कि वन यूआई फोर अपग्रेड ले चुका है, तो जो भी आपकी दिक्कतें हैं या अच्छी बातें भी हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो और व्यूज़ हैं उनको भी आपकी कमेंट्स से काफ़ी आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस इतना ही था इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।